पार्टी से अगर उनको निकाल रहे हैं उसका मतलब ही है उन्होंने कुछ गलत कहा था, और इसका मतलब ये है कि जो मुसलमानों के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है आज दंगे लगाने का, वो मुसलमानों पर नहीं नुपुर शर्मा पर लगना चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा छात्रों से बात करने उत्तर प्रदेश में आफरीन फातिमा के घर पर चले बुलडोजर के विरोध में दिल्ली में यूपी भवन पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। अस्सलाम इस्लाम इंतिबादा इंकलाब, अस्सलाम इस्लाम इंतिबादा इंकलाब, मुत्तसिर जिंदा जिंदा है, मुत्तसिर जिंदा जिंदा है, साहिल जिंदा जिंदा है, साहिल जिंदा जिंदा है, तो इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद। इस प्रदर्शन में तमाम जो छात्र संगठन थे वो पहुंचे, और पहुंचते ही जैसे उन्होंने नारेबाजी शुरू की पुलिस ने उन तमाम छात्रों को एक एक करके बस में भरना शुरू कर दिया। आपको आज इसी पर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश भवन पर छात्रों को पुलिस ने बस में भरा और डिटेन करके लेकर गए। तस्वीरें आप देखिए। वामपंथी छात्र जो यूपी भवन के बाहर विरोध कर रहे थे, देखिए इस वक्त की जो ये तस्वीरें हैं आपको सीधी हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के यूपी भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा है बुलडोजर चलाने के खिलाफ ये प्रदर्शन है, और इस वक्त दिल्ली पुलिस किस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर उठाकर इस वक्त बस में भर रही है वो भी तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं। क्या दिमाग है आपकी? देखिए इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ एक चीज और आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं उनके हाथ में प्ले कार्ड्स है। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। इमीडिएट चारा सुनो बर शर्मा, वी वांट जस्टिस। हमारे मांगे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जिन्होंने एंटी मुस्लिम बयान दिए, जिनको बीजेपी से भी इस्तीफा देना पड़ा, उन स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। वो कोई फ्रिंज नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर से लेके कंगना रनौत तक आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पहले अरेस्ट किया जाए। उन्हीं के वजह से पूरे देश में आज दंगे हो रहे हैं, उसको पुलिस रोकने का कोशिश करे ना कि पार्टी से अगर उनको निकाल रहे हैं उसका मतलब ही है उन्होंने कुछ गलत कहा था, और इसका मतलब ये है कि जो मुसलमानों के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है आज दंगे लगाने का, वो मुसलमानों पर नहीं नुपुर शर्मा पर लगना चाहिए, और उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। बुलडोजर जिनके घरों पर चल रहा है, जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उनके लिए क्या बोल रहा है? हम लोग बोलते हैं कि जो बुलडोजर चलाया गया पूरे तरीके से टारगेटेड वायलेंस है, उनको मुआवजा दिया जाए, कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनके नाम को जो खराब किया गया है उसके लिए अपोलॉजी दिया जाए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उनका हक था, लेकिन जो बयान दिए गए, जो पूरे तरीके से भड़काऊ भाषण नेशनल टीवी पे आके दिया गया, उसी के वजह से दंगे हुए और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग प्रोटेस्ट करने आए थे सब पीसफुली अपना प्लैकार्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर आज पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही है दिल्ली के कैपिटल में, तो आप सोच सकते हैं कि इलाहाबाद और अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। फादर के नाम नहीं था जिनके खिलाफ नोटिस आया था, तो सोचनी ये नहीं है कि दंगे में पत्थर चलाए गए, सच्चाई ये नहीं है। इंग्लिश में बोल रहा है, पत्थर किसने फेंके? तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ यूपी योगी तेरे नाम,
तमाम वो छात्र थे जो छात्र जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ जमा हुए थे यूपी भवन पर और मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आफरीन फातिमा के नहीं। इनका सीधे तौर पर कहना था कि हम लोग इसके खिलाफ हैं जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, और नुपुर शर्मा पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यह भी सीधे तौर पर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का कहना था। लेकिन दिल्ली पुलिस उनको उठाकर डिटेन करके हर बार की तरह इस बार भी 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर माहौल शांत करा दिया गया और सभी प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को दिल्ली पुलिस डिटेन करके ले गई।